राजधानी में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान लाखीनगर में पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो दिनों के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 30 से 40 आरोपी फरार हैं। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। वीडियो फुटेज देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रात में जो है दुर्गा माता के विसर्जन के दौरान जो है उस रोड से बहुत सारे जो झांकियां जा रही थी, प्रतिमाएं लेके जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस वाले जब लेट नाइट हो गया और डीजे चल रहा था तो डीजे बजाने से इन लोगों ने मना किया कि 12:30 एक बज गया है, लोग आप ऑब्जेक्शन करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, डीजे बंद किया जाए करके। उसी पर कुछ लोग जो पीड़ित व्यक्ति थे एक समिति वाले, उन्होंने जो है पुलिस के साथ धक्काम किया था। इसके से जो है कुछ लोगों को पुलिस के यहाँ बटन वटन भी हैं और कार्रवाई करी।